अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गुड़ खाने का सही वक्त क्या है, सही तरीका क्या है और डायबिटिक पेशेंट्स क्या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Assalamu alaikum, I'm Zuha Sohail. I'm working as a senior lecturer at Ashlesey Medical College and a clinical nutritionist at Mirham. आज मैं यहाँ पर गुड़ खाने का सही तरीका क्या है और किस वक्त पर इसको कंज्यूम किया जाए ताकि किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जाए, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं कि गुड़ को किस तरीके से हमें खाना चाहिए ताकि हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें से फ़ायदा हो सके। सो गुड़ खाने का जो एक सही तरीका ये है कि आप इसको किसी भी चीज़ में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आप मिठास के लिए चीनी ऐड करें वहाँ पर आप चीनी के जगह गुड़ ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग सर्दियों में कॉफ़ी पीते हैं तो आप वहाँ पर चीनी ऐड करने की बजाय आप गुड़ ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोग खीर बनाते हैं तो उसमें भी आप चीनी की जगह गुड़ ऐड कर सकते हैं। गुड़ को आप गुड़ वाले पानी की सूरत में पी सकते हैं। सत्तू के अंदर बहुत ज़्यादा लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। सो गुड़ आप हर उस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आपने मिठास ऐड करनी है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा मसला एक याद है कि गुड़ को जब प्रोसेस किया जाता है, इसको जब बनाया जाता है, तो वहाँ पर कुछ लोग इसकी हैंडलिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे होते। बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक कंडीशंस वहाँ पर फॉलो की जाती है। सो आप जब गुड़ को परचेज करें, जब इसको ख़रीदें, तो मेक श्योर रखें कि आप जहाँ से ले रहे हैं कि वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा कोशिश करके हाइजेनिकली प्रोसेस किया हुआ है, क्योंकि इसकी कंजम्पशन आप किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हैं, उसमें कोई इसका नुकसान नहीं है। बस नुकसान सिर्फ वहाँ पर आता है अगर इसकी प्रोसेसिंग ख़राब तरीके से हुई हो। इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन करते हैं कि किस वक्त पर इसका इस्तेमाल किया जाए। गुड़ खाने का जो सही वक्त है वो सुबह नहार मुँह वक्त है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर हमारी बॉडी का एक तो निज़ाम हज़्म जो बहुत स्लो होता है और उसको फास्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग जिनका निज़ाम हज़्म प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहते हैं, वो सुबह नहार मुँह गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर रखें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से एक तो आपका निज़ाम हेल्थ जो प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो तेज़ होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो डाइजेशन को आपके हाजमे को इम्प्रूव करते हैं। सो जिन लोगों को मोटापे का मसला है वो अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग गुड़ का इस्तेमाल रखें सही मिकदार के अंदर, ताकि उनका प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म बूस्टअप हो और कोई भी चीज़ वो कंज्यूम जो कर रहे हैं वो बॉडी में समाप्त ना हो सके। इसके अलावा बहुत से लोग ये समझते हैं कि गुड़ का इस्तेमाल अगर हम दिन के किसी भी वक्त में कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसके खाने से कुछ भी हमें फायदा हो सकता है। सही वक्त सिर्फ निहार मुँह वक्त है। रात सोने से पहले खानों के साथ में इसका इस्तेमाल करने से परहेज करें। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट समझते हैं कि हमें गुड़ अलाउड है, क्योंकि नेचुरल शुगर है, इससे शायद ब्लड शुगर लेवल्स ना बढ़ें। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुड़ खाने से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको शुगर बढ़ाने की कुव्वत हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो डायबिटिक पेशेंट्स इसका इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में बिल्कुल ना करें, लेकिन मैं हमेशा पेशेंट्स को ज़ीरो पर नहीं लेकर आती। आप इसको इस्तेमाल अगर करना चाहते भी हैं तो अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, अगर वो आपको रिकमेंड करता है बहुत स्लाइट क्वान्टिटी के अंदर, बहुत मिनिमल क्वान्टिटी के अंदर, क्योंकि शुगर पेशेंट्स के अंदर हर एक की शुगर अलग रेंजेस में आती है, किसी की बहुत ज़्यादा, किसी की बहुत कम है, कोई प्री डायबिटिक केस के अंदर फॉलन कर रहा होता है। सो टोटली डिपेंड करता है कि आपके शुगर लेवल्स कितने हैं और आपको कितनी मिकदार में गुड़ दिया जा सकता है। सो इसके अंदर पेशेंट्स को मैं ज़ीरो पे नहीं रखती, लेकिन इनिशियली उनको मैं मना ही करती हूँ कि आप ना कंज्यूम करें, और अगर आप चाहते हैं कंज्यूम करना तो सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर ना आए, अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।